हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ एक्वाटिक्स। आज मैं आपको इस टैंक में ईल के लिए फिश टैंक सेटअप करने वाला हूँ। ये टैंक एक्चुअली 1 फीट का है और इसमें मेरे पास 2 ईल्स है। इसके अंदर में ये सिरामिक रिंग्स है वो यूज़ करने वाला हूँ। ये कुछ मटके है वो यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं अभी स्पंज फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, DIY वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस टैंक का सेटअप। सो हमारे दोनों ईल टैंक में से निकल गई है, आप देख सकते हो। एक्चुअली दोनों ब्लैक कलर की है। इसमें कुछ अलग पैटर्न है और इस वाली में, ये वाली थोड़ी बड़ी है। तो चलिए हम इसका टैंक सेटअप करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा टैंक है वो खाली हो चुका है। मैंने इसमें बाल्टी में उसका पानी निकाल लिया है। यही वाटर हम फिर से यूज़ करेंगे जिससे कि जो फिश को तकलीफ ना हो। इसके अंदर मैंने वाटर निकाला हुआ है और यहाँ पे दूसरी बकेट है जिसके अंदर मैंने फिश रखी हुई है, उसको ढक दिया है कांच से। तो चलिए हम इस टैंक में रेत ऐड करना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैंने ब्लैक सैंड यूज़ कर रहा हूँ जिसे कि मैंने धो के रखी हुई है। तो चलिए सेटअप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टैंक सेटअप है वो हो चुका है। इसमें अब वाटर फिल करना बाकी है। एक्चुअली मेरा ड्रिफ्ट वो था प्लांटेड टैंक का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये पाइप है सिरामिक के, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और नीचे सैंड है ब्लैक कलर की। एक्चुअली ये 1 फीट का ही है इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कुछ रखने के लिए। इसलिए मैं जितना कम हो सके उतना कम ही चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ईल जो है टैंक में ऐड हो चुकी है। ये वाटर अभी क्लाउडी है क्योंकि रेत यूज़ की है हमने। इसके रेत की वजह से ये थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। एक बार ये फिल्टर चालू हो जाएगा, इसके बाद थोड़ी देर के बाद ये अच्छा क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा नया वाटर भी ऐड कर दिया है 20% जैसा। सो इस दोनों ईल इसके नीचे छुपी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकेंड डे है। जैसे कि आप देख सकते हो वाटर थोड़ा क्लियर हो चुका है। इसके अंदर मैंने अब छोटे गुप्पी के फ्राइज ऐड किए हुए हैं ईल के फीडिंग के लिए। अभी भी वाटर थोड़ा क्लाउडी लग रहा है लेकिन वो आ जाएगा 2-3 दिन में। अभी ईल एक्चुअली छुपी हुई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड से दिखेगी। ये यहाँ पे एक ईल है और एक इसके नीचे छुपी रहती है। एक्चुअली फोकस नहीं हो रहा है। तो बस यही है मेरा ईल का सेटअप। एक्चुअली ईल जो होती है वो रात को निकलती है इसलिए अभी वो बाहर नहीं आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ नए नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।